कि अभी भी संसार के लिए चक्कर में ही पड़ा है, तो संसार के लिए रो रहा है। अब महाराज संत ने समझाया, बोले सुनो, संतान से सुख नहीं होता। यदि संतान से सुख होता तो जानवरों के तो दर्जनों बच्चे होते, तो जानवरों को तो और सुख हो, सुखी हो जाना चाहिए। भाई जानवरों के तो दर्जनों बच्चे होते हैं, और जानवरों को छोड़ो महाराज, इंसानों के ही दर्जनों बच्चे हैं, तो उनको तो और सुखी होना चाहिए। हमारे यहाँ एक है, हमारे गांव की तरफ नाम है एहसान अली, एक ही पत्नी से 22 बच्चे हैं, 22 बच्चे महाराज। आश्चर्य वाली बात नहीं, हमने देखा है, और हमने जब भी उनको देखा है, एक पेट में, एक गोद में, एक उंगली में, वो चूड़ी पहनाने आती थी, और जब भी मतलब 6-7 महीने 8 महीने में उनको हम एक बार देखते थे, वो आती थी चूड़ी पहनाने गांव में, तो हर बार दृष्टि जो है, चेहरा नया होता था, बात वही होती थी। उंगली वाला रोड में हो जाता था, और गोद वाला जो है उंगली में हो जाता था, पेट वाला गोद में हो जाता था, वो पेट में फिर से आ जाता था। अपनी याद में हमने उन्हें देखा ऐसा ही है, मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने देखा है, अपनी देख की बात बता रहा। एक ही पत्नी से 22 बच्चे हैं, और यदि विश्वास ना हो ना आप लोगों को, तो नोएडा में उन लोगों ने, हमारे गांव की बात, नोएडा में उन्होंने बिल्डिंग की दुकान खोल रखी है, 15 भाई यही रहते हैं एक साथ, लेबर भी वही, मिस्त्री भी वही, सब कुछ वही। और 15 भाई इसलिए कि भाई है, और जो है जो लड़की है, इसलिए वो गांव में रहती है। पर उसके बाद तो जीवन भर मजदूरी करते देखा, मरते समय भी मजदूरी ही कर रहा था। एक कोठरी थी, मतलब एक के ऊपर एक भी लेटते होंगे तब भी 17-22 नहीं आ रहे हैं। अगर संतान से ही सुख मिलता तो उनको तो और सुखी होना चाहिए। संत ने समझाया, अगर सुख चाहते हो तो भगवान से जुड़ो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है संसार में। बोले सुखी कौन है? बोले राम के दास, भगवान के दास है वही सुखी है, और कोई सुखी नहीं है। जिनके 22 बच्चे हैं ना, वो भी सुखी नहीं है महाराज। मरते मरते भी, अभी ये स्थिति पता नहीं अब जीवित है कि नहीं, क्योंकि कई साल हमको भी गांव छोड़े हो गए, पर ये है कि हम कभी कभी खबर जरूर ले लेते हैं कि 22ों का हाल क्या है। हमारे यहाँ उनको कहा जाता है 22 नाम ही रखा दिया, पर 22 नाम लेते ही आदमी बता देता है कि वो 22 उन्हीं को कहा जाता है। और एक और है, उनके 11 बच्चे, उनका नाम अख्तर है, उनके 11 बच्चे, अख्तर मियाँ चले गए नहीं तो वो भी 22 हो जाते, उनकी मृत्यु हो गई नहीं वो भी 22 हो जाते। बोले अगर बच्चों से संतान से सुख मिलता तो उनको तो और सुखी होना चाहिए था। और उन्हीं 22ों के कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जूतों से भी कई बार पीटते थे अपने बाप, ऐसी भी स्थिति। अर्थात इस संसार में चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 1 बच्चा हो, कोई सुखी नहीं, सब परेशान है। तो बोले क्या करें फिर, सब संत बन जाए? बोले सबको संत नहीं बनना है, संत किसी को नहीं बनना है, संत स्वभाव से बनना है। भगवत प्राप्ति करनी है, ये लक्ष्य रखना है। संत ने समझाया, फिर भी पंडित जी नहीं माने। पंडित जी ने कहा नहीं महाराज, संतान गृहस्थ की शोभा संतान से होती है। और बोले महाराज बाप कृपा करो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। संतान
ने समझाया लेकिन नहीं माने पंडित जी। उन्होंने अंत तो उधर का एक झोली से फल निकाला और फल निकाल करके दिया, बोले करो नहीं मानते तो ले जाओ इस फल को तुम खिला देना अपनी पत्नी को, और भगवान ने चाहा तो तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। महाराज ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के महाराज भागे भागे गए, दूर से ही पुकारने लगे अरे सुनती हो। महाराज अंदर से बाहर निकल करके आई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? बोले सुनो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। बोले क्या लेके आए हो? दिखाया एक फल। बोले देखो ये फल। बोले ऐसे दिखा रहे थे जैसे नौलखा हार लेकर के आए हो, तो मैंने फल नहीं देखा कभी। बोले ये ऐसा वैसा फल नहीं देवी जी। बोले फिर? बोले इस फल को खाओगी तो तुम्हारे घर भी संतान हो, ये किसी संत की प्रसादी है। जब ऐसा सुना तो बोले ठीक है, अगर ऐसा है, ऐसी बात है, एक काम करो तुम यहाँ रख दो, मैं अभी खा लूंगी। और पंडित जी तो दे करके चले गए। महाराज फल लेकर के बैठी थी और सोच रही थी बोले खाऊं कि ना खाऊं, फल खाने से कभी संतान होती है? अगर ऐसा होता तो कितने ऐसे संसार में हैं जिनके कोई संतान नहीं है, फल खा लेते हो जाता सर। कितने लोग ऐसे हैं संसार में जिनके कोई संतान नहीं है तो फल खाते संतान हो जाती, फल खाने से कभी संतान होती है क्या? तो महाराज इतने में उसकी छोटी बहन आ गई। छोटी बहन ने देखा कि कोई फल लेकर के बैठी है, उसने पूछा क्या क्या कर रही है, फल लेकर के क्यों बैठी? बोले तू खूब आई है, अरे देख मेरे पति को किसी ने फल दिया है, वो तो भोले भाले हैं और उनसे बता दिया कि तुम्हें ये संतान होगी इस फल खाने से और कुछ पैसे ठग लिए होंगे। तो उसने भी कहा अरे तू काहे परेशान होती है, कई फल खाने से संतान होती है। अच्छा वो चाहती थी इसके घर में कोई संतान ना हो और मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे को गोद ले ले तो इसकी सारी संपदा मेरी हो जाएगी। बोले अगर तुझे संतान की चिंता है तो मैं तेरी चिंता दूर किए दे रही हूँ, तो सुन मेरे पुनः संतान होने वाली है, जो भी होगा बेटिया या बेटी मैं तुझे दे दूंगी और तुझे उसे अपना बता दूंगा। रही बात इस फल की, तो इस फल को तू एक काम कर, तेरे घर में बंधी एक गाय है जो बांझ है उसे खिला, फल की परीक्षा भी हो जाएगी, संतान होनी होगी तो उसको हो जाएगी और तू फल तू तो उससे भी बच जाएगी। मैं तुझे अपना अपनी संतान दे दूँ, तेरे फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तेरे संतान भी हो जाएगी। बोले वाह बहन हो तो तेरे जैसे, भाई बहन हो तो तेरे जैसी, तूने तो सारी समस्या का निवारण ही कर दिया। उसने उस फल को गाय को खिला दिया और पतिदेव को बताया भाई मुझे बड़ा फायदा हो रहा है, मेरी संतान होने वाली है, और बता दिया सारी चीजें। बहन उसी के घर में रहती, रात्रि के अंधेरे में समय कालांतर में उसके बच्चा हुआ, उसने अपने बच्चे को उसको दे दिया धुंधली देवी को, और धुंधली देवी ने अपने बच्चे बोला कि मुझे जो बच्चा हुआ वो मरा हुआ हो, जो बहन को हुआ वो मरा हुआ है और मेरे संतान ये हो गई। पतिदेव को बताया, समझा दिया पतिदेव मान। महाराज पंडित जी प्रसन्न हो गए कि भाई हमारे घर में बच्चा हुआ है। बच्चे को देख करके पंडित जी सारी पीड़ा भूल गए, जो रो रहे थे कि संतान नहीं है संतान नहीं है। महाराज प्रसन्न हो गए और उसी के 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चार्थ साधेनु शिशुर्भकम्। 3 महीने बाद उस फल के प्रभाव से उस गाय के गर्भ से भी एक बच्चे का प्राकट्य हुआ, पूरा शरीर इंसान जैसा पर कान उसके गाय की तरह। लोग भाग्य की सराहना करने लगे, पंडित जी कहां पंडित जी एक एक बच्चे के लिए तरसते थे, यहां तो गाय ने भी एक बच्चे का उसको ही जन्म दे दिया। भाग्योदय न धुना
अवश्य पश्चाताप। आत्मदेव जी की भाग्य की सराहना करने लगे, बोले भाई जहाँ एक संतान के लिए तरसते थे वहां दो दो संतान, दोनों बच्चों का नामकरण करने लगे। तो गाय के बच्चे के कान गाय की तरह थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। परंतु जब अपने बच्चे की बारी आई नाम करने की, तो खटगुंदनी देवी पहले खड़ी हो गई। बोले सुनो जी, 9 महीने कष्ट मैंने झेले हैं, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। बोले अच्छा तू ही रख ले देवी, काय परेशान हो रही, तू ही रख। बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। महाराज यथा नाम तथा गुण, इसलिए नाम भी बड़े सोच समझ करके रखने चाहिए। हम लोग भी आजकल पता नहीं कौन कौन से एलिस, कौन कौन से पता नहीं नाम भी सुन करके महाराज जवान लड़खड़ा जाए ऐसे ऐसे। जब पंडित जी नामकरण करने जाते हैं तो बच्चे के कान में नाम बोलते हैं ना, तो पंडित जी के मुंह से ही नहीं निकलते ऐसे ऐसे नाम आजकल रखे जाते हैं। कौन कौन से चिंटू पिंटू सुन पता नहीं कौन कौन से नाम रख देते हैं। यथा नाम तथा गुण, बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। तो महाराज वैसे ही उसके गुण भय कि यत काले न तौ जातौ तरणौ तनया विभू गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीता तो महाराज गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी निकले, पर धुंधकारी महाखल निकला। गोकर्ण जी जिधर से निकल जावे लोग पैर छूने के लिए आवे, पर धुंधकारी जहां से निकल जावे उधर के लोग दरवाजे बंद करके घर में ही घुस जावे। समाज में हम लोगों को यही विचार करना चाहिए कि हमें अपना स्वरूप कैसा बनाना है, हमारा स्वरूप अच्छा हो या खराब। एक चीज बताओ, आप धन के मद में चूर होकर के 4 बॉडीगार्ड साथ में लेकर के चलो और उल्टे सीधे काम करो, आपके जाते ही लोग गालियां दें, बड़ो बेकारा मरता क्यों नहीं है, भगवान इसको उठाता क्यों नहीं है। आपको अपना चरित्र ऐसा बनाना है कि आपके जाते ही लोग देखें बहुत सुंदर आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, भले ही आपके साथ कोई हो या ना हो, परंतु आपके निकलने के बाद यदि आदमी ये कहे कि बहुत अच्छा आदमी था, तो महाराज सार्थकता तब है। सार्थकता ये नहीं है 4 गाड़ियां ली और 4 बॉडीगार्ड रखे और जाते जैसे ही निकले वैसे ही आदमी गाली देने लग जाए, तो सार्थकता इसमें है कि सार्थकता उसमें है निकलने के बाद लोग कहें बहुत अच्छा आदमी। महाराज इस संसार में और कुछ नहीं है, इस संसार में केवल एक नाम ही रह जाना है संसार। इस संसार में और कुछ नहीं है, मरने के बाद आदमी का नाम ही रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता महाराज। आप एक चीज बताओ, अपने आप से अपने कितनी पीढ़ियों को याद रखा होगा, आपके बाबा परबाबा उनके बाबा उनको याद करा क्या। परंतु आप भगत सिंह इन सबको याद कर रखते हैं, चंद्रशेखर आजाद इनको याद कर रखा है कि नहीं याद कर। आपको अपनी पीढ़ियों का नाम पता नहीं है, परंतु 100 साल 50 साल पहले जो जन्मे जिन्होंने आजादी की लड़ाई ली हम लोगों के लिए अपने प्राण आहुत किए, उनका नाम याद है कि नहीं याद। तो हमें ये करना है कि हमें किस तरह इस संसार इस समाज में जीना है वो आप पर निर्भर करता है। अगर कुछ लोग ऐसे होती हैं महाराज जो कह देते हैं कि भाई करने कराने वाले तो सब भगवान हैं, ध्यान देना मेरी बात है, बहुत लोग कह देते हैं और कहते हैं भाई इनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बात सही है, भगवान के इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये भी बात सही है। परंतु भगवान ने गीता में एक बात कही है, अहंकार बुद्धि और मन ये मैंने आपको दिया है आपकी विचार के लिए। आपका अहंकार आपकी बुद्धि और मन, भगवान गीता में कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि इंद्रियाणाम मनः चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, मन मेरा स्वयं का स्वरूप है, बुद्धि मैंने दी है विचार के लिए। तो
व्यक्ति के, आप देखो जानवरों के लिए ये नहीं कहा जाए, जानवरों के लिए उपदेश नहीं दिया जाता। कोई जानवरों के लिए उपदेश देता है क्या? उपदेश किसके लिए दिए जाते हैं? इंसान के लिए। सुधारा किसे जाता है? ये उपदेश सुधारने के लिए दिए जाते हैं। तो जानवरों को थोड़ी कोई उपदेश देता है, देता तो इंसान को ही है। अर्थात इंसान ही एक ऐसा है जो पल पल में परिवर्तित होता है, और कोई परिवर्तित नहीं होता, जानवर कभी परिवर्तित नहीं होता, इंसान है जो पल पल में परिवर्तित होता है। आप देखो गाय है, गाय की प्रवृत्ति घास खाना है, वो घास ही खाएगी, उसके इतने दिन की भूखी पड़ी हो उसके सामने आप मांस रख दो पर मांस नहीं खाएगी। शेर है, उसके सामने आप कितने दिन का भूखा पड़ा हो परंतु उसके सामने आप घास रख दो वो घास नहीं खाएगा। एक इंसान ही ऐसा है जो दे दो सब डाल लेगा, भोजन में कोई वो नहीं देता, जो भी मिले सब डालते जाते। एक इंसान ही ऐसा है वो अपने धर्म को छोड़ देता है। इंसानी कहता है ना कि मैं अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहा हूँ। जानवर कभी दूसरे धर्म में नहीं जाता, उसका जो धर्म है वो वही कार्य करता है। इसलिए उपदेश भी इंसानों के लिए ही दिए जाते हैं, जानवरों के लिए नहीं दिए जाते, क्योंकि तो इंसान ही पल पल में बदलता है और कोई नहीं बदलता। महाराज गोकर्ण जी महान ज्ञानी थे और धुंधकारी महाखल था महाराज। अब वो धुंधकारी की ऐसी स्थिति हुई कि महाराज घर की संपदा लुटाने लगा, नाच गाने शराब में इत्यादि लुटाने लगा। पंडित जी को बड़ा कष्ट होने लगा, बोले कहां मुझे लोग कहते थे पंडित जी बहुत अच्छे हैं बहुत सरल हैं, आज ये कहते हैं कैसा बच्चा पैदा किया है जिसने समाज में हम सब लोगों को दुखी कर दिया। पंडित जी को अब पुनः आत्मग्लानी होने लगी। ऐसी स्थिति हो गई महाराज की घर की सारी संपदा लुटा डाली, महान कष्ट होने लगा पंडित जी को, लोग धुतकारने लगे, पंडित जी पुनः मरने के लिए निकल पड़े। अब महाराज गोकर्ण जी ने देख लिया तो पंडित जी का हाथ पकड़ा, फिर मरने के लिए चल पड़े तो गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया। अब आप ध्यान देना, पंडित जी एक बार मरने के लिए पहले भी चले थे, तब किस लिए चले थे? तब बोले पुत्र नहीं था, अब मरने के लिए इसलिए निकल रहे हैं कि पुत्र क्यों है, ऐसा बेटा क्यों है। तब निकले थे कि बेटा नहीं है, अब ऐसे निकल रहे हैं कि बेटा है क्यों। आप देखो मैंने पहले भी बताया कि संतान से ही सुख होता तो जानवरों के दर्जनों बच्चे होते। अर्थात इस संसार में दूसरा कोई भी आपको सुखी नहीं कर सकता, आप स्वयं अपने मंथन से अपने मन से सुखी होते हैं और अपने मन से ही दुखी होते हैं, क्योंकि मन स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। मन से यदि आपने अपने आप को अच्छा मान लिया तो आप अच्छे हो, और मन से आपने अपने आप को खराब मान लिया तो आप खराब हो। आप देखो मन की शक्ति इतनी भयावह होती है, इतनी भयंकर होती है, जो उसे कंट्रोल में कर ले, शास्त्र ही कहते हैं मन को कंट्रोल करो सब मिल जाएगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन ऐसा है, मन ही मन इतना पावरफुल होता है, इसको आप अपने कंट्रोल में कर लो तो सब सुधर जाते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और अगर आपने मन से मान लिया कि हम ठीक नहीं होंगे तो कदाचित वो कितनी भी महंगी दवा दे दे आप ठीक नहीं होंगे। और किसी डॉक्टर के पास जाओ और कह दो भैया ये हमारे घर के डॉक्टर हैं इनके यहाँ कोई भी दवा देंगे ठीक हो जाएंगे, तो वो वास्तव में आप ठीक हो जाते। मन की ताकत ये है। पंडित जी महाराज पुनः मरने के लिए निकले, अब गोकर्ण जी ने हाँ
हाथ पकड़ लिया। बोले पिताजी आप दुखी क्यों होते हैं मैं बताऊं, बार बार आपको मरने का ख्याल क्यों आता है मैं बताऊं। आप पुनः मरने के लिए चल दिए। आपने बताया था कि मैं जब संस्थान नहीं थी तब मैं मरने के लिए गया था, तो संत ने आशीर्वाद दिया तो ऐसा आज पुनः मरने के लिए चलते। बोले संसार में पिताजी जीव को दो रस्सियां बांधती और यही दो रस्सियों से व्यक्ति मुक्त हो जाए तो उसे कभी दुख हो ही नहीं होगा दुख। कौन सी दो रस्सियां? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चो। पहली रस्सी है देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्। ये जो मांस हड्डियों से रचित ये शरीर है जिसे हम अपना माने बैठे हैं, इसको हम अपना माने बैठे हैं महाराज, सबसे बड़ा दुख का कारण तो यही है। कैसे? बोले इसे हम साज सज्जा करने में इतना पैसा खर्चा कर देते हैं महाराज, इसकी साज सज्जा करने में कोई कार्यक्रम हो महाराज, वो कहीं निमंत्रण में जाना हो तो 4 घंटा पहले से सजने संवरने लगते हैं, और फिर भी उधर कार्यक्रम किसी किसी के कार्यक्रम आधे बीत जाते हैं तब हम पहुंच पाते हैं, है ना, और फिर भी लगता है कि अभी कुछ कमी रह गई है महाराज। कम से कम 1 किलो मेकअप पोत डाला अपने शरीर में और फिर भी ये लगता है कि अभी भी कमी है। अच्छा ज्यों ज्यों बुढ़ापा आने लगता है त्यों तो मेकअप और ज्यादा चढ़ने लगता है, ये और निश्चित है। घर वाले अगर कोई कह दे कि बुढ़ापा आ रहा है तो महाराज उसकी तो मजा ले, इससे सामत नहीं है महाराज। और पतिदेव अगर कह दे कि तुम बुढ़ी हो रही है फिर तो देखो महाराज, बेलन फूकनी चिमटा सब चल जाए महाराज, है ना। बुढ़ा होना कोई नहीं चाहता, इस संसार में कोई बुढ़ा होना चाहता है क्या? परंतु बुढ़ापा आना है ये सत्य है, आप मानो या ना मानो। एक बार एक कबूतर को बिल्ली दिख गई तो महाराज आंख बंद करके बैठ गया। एक ने पूछा बोले आंख बंद करके क्यों बैठा है? बोले मैं आंख बंद करके बैठा हूं मुझे बिल्ली दिखेगी नहीं तो मेरा कुछ हो गई। बोले अरे मूर्ख तू बिल्ली को देखे या ना देखे बिल्ली को तो तू दिख रहा है, अर्थात तुम अपने घमंड में कितने भी बैठे रहो मृत्यु नित्य प्रतिदिन आपके पास आ रही है। आप नित्य प्रतिदिन जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से आप समझो आपका एक एक दिन कम हो रहा है, ज्यादा नहीं आप कम हो रहे हैं, मृत्यु के नजदीक आप पहुंचते जा रहे हैं। ये यथार्थ आप मान लो तो समझो आपका कल्याण हो गया, परंतु यही समझने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। आदमी मरने से इतना डरता है, आपने देखा होगा जब महाराज आपकी शादी होती है ना, तो जब शादी होती है तो उस समय आपके आगे आप पीछे रहते हो, आपके आगे नाचने वाले कितने मिलते हैं। दूल्हा जो बैठा होता है पीछे उसके आगे कितनी गाड़ियां और रथ चलते रहते हैं, नाचने वाले दारू पी करके महाराज मस्त नाचते रहते हैं, उनको अपना होश खबर नहीं रहता है, और पीछे से दूल्हा उचक उचक करके देखता है कि मेरी शादी में कौन कौन नाच रहा मैं भी तो देख लू जरा। परंतु जब उसी व्यक्ति को वो श्मशान ले जाया जाता है तो आगे वो रहता है पीछे सब लोग रहते हैं, सब पीछे चलते हैं और राम नाम सत्य कहते हुए चलते हैं। उस समय आगे कोई जाता है क्या? कोई इसलिए नहीं जाते, बोले शमशान तो वहीं पहुंचे हमें नहीं जाना। और जब दुल्हन लेने जा रहे थे जब खुशी का मौका था तो आगे आगे हम नाच रहे थे, पर शमशान में महाराज जैसे ही आग लगाई जाती है शमशान में ना चिता में, वैसे सब छोड़ करके एक एक चले आते हैं जितने को आपने अपना मान बैठा है।
ये शरीर आपने अपना मान बैठा है, शरीर को ये शरीर आपका है ही, आप विचार करो थोड़ा सा, ध्यान देना मेरी बात पे। कहते हो एक बार स्वामी परमहंस जी से एक ने प्रश्न किया, बोले हमने सुना है आपको काली देवी का साक्षात दर्शन होता है। बोले हाँ होता है। बोल एक शेख ने कहा, बोले एक काम करना, जब काली देवी इस बार तुम्हारे ऊपर आवे हैं तो तुम उनको हमारे यहाँ भेज देना। उन्होंने कहा ठीक है भाई, उनको लगा कि ये घमंडी आदमी है, उन्होंने कहा ठीक है भेज देंगे, पर एक काम करो तुम अपना पता तो लिखा जाओ, किस पते पर हम उनको भेजेंगे, जब वो आएंगे तो हम उनको बताएंगे किस पते पर जाना। उसने अपना लिखाया, बोला ये मेरा ये फलाने गली में ये नंबर है मेरा। स्वामी जी ने कहा ये तो तुम्हारे मकान का नंबर है, तुम अपना लिखा के जाओ। तो उन्होंने अपने दुकान का नंबर लिखा दिया। बोले ये तो तुम्हारे दुकान का नंबर है। अब स्वामी जी ने पूछना चालू किया तो उसने अपना बताया कि मैं तो ये मेरा शरीर है, जहाँ हाथ रखे वो कोई भी बात रखे ना, पहले तो मकान दुकान, जब शरीर पे आया तो बोले हाथ, बोले ये तो तुम्हारा हाथ है, बोले ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारा नाक है, तुम्हारा पता क्या है। अब महाराज शेर जी का तो माथा ही गर्म हो गया, चकराए गए शेर जी। बोले मुझे आज तक नहीं पता था कि मेरा पता है क्या, मुझे खुद को अपना पता नहीं पता था, आज स्वामी जी ने परिचय तो करा दिया, ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, जिसे हम अपना माने बैठे हैं। अच्छा आप अगर ये आपका अपना होता, जब बुढ़ापा आने लगता है तो मेकअप तो हम इतना पोतते हैं और हम ये कह दें जब ये अपना है तो अपना अपनी बात भी मानना चाहिए, इसे हम कह दें कि तुम भाई बुढ़े मत होना, बोलो शरीर मान जाएगा और नहीं होगा, बाल झड़ने लग जाए, बोले बाल झड़ना नहीं, बोलो बाल मान जाएंगे। हम लोग नकली बाल लगा लगा के काम चलाते हैं, तो बाल झड़ने लग जाते हैं। यदि ये आपके अपने हैं तो आपकी बात भी माननी चाहिए। अब यहाँ घुटनों में दर्द होने लग जाता है, घुटनों में दर्द होता है तो भाई कहते हैं भाई दर्द हो रहा है, तो कह दो शरीर, ये शरीर तो आपका अपना है, घुटनों से कह दो भाई दर्द मत होना, मान जाएंगे घुटने। शरीर में कोई बीमारी हो जाए बोले भाई बीमारी नहीं आनी चाहिए, तो बीमारी मान जाएंगे। अब आप बताओ फिर आपका अपना रहा कहाँ, ये आपका अपना कहाँ है ये शरीर, तो फिर हम किस घमंड में घूमते हैं, इसी शरीर से जुड़ी हुई चीजों से धन वैभव बुद्धि इसके घमंड में हम घूम रहे हैं। ये शरीर जो एक दिन समाप्त हो जाना है इसके घमंड में घूम रहे हैं। और बोले दूसरी रस्सी कौन सी है, देह स्थिमान सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच। दूसरी रस्सी है हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये हमारे पति हैं, ये जो हम अपना माने बैठे हैं, दूसरी रस्सी ये यही हमको बांधती है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारी पत्नी है। महाराज अगर कदाचित ये होने लग जाए, भगवान एक नियम बना दे, तब अपना कौन है समझ में आ जाए। भगवान एक नियम बना दे हैं कि अगर यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम अपनी जगह दूसरे को राजी कर लो मरने पे, तो दूसरा चला जाए आपकी जगह, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि महाराज कौन अपने। अगर कदाचित ये होने लग जाए तो सोचो कि